हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ मिनिमलिस्ट के एक ऐसे सीरम का जो कि आपके किसी भी टाइप के मेलाज्मा को ट्रीट करने का क्लेम करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिनेक्सेमिक 3% प्लस HPA सीरम। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके किसी भी तरह के मेलाज्मा को ट्रीट करने का क्लेम करता है। वेदर आपका जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, आपके किसी भी तरह का जो मेलाज्मा है वो न्यू है या ओल्ड है, ये उसको रिड्यूस करने का क्लेम करता है। तो लास्ट 1 मंथ से मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे एक्ने स्कार्स थे, पिगमेंटेशन थी ये इधर और इधर। इधर तो देखो लाइट लाइट विजिबल है अभी भी। काफ़ी रिव्यूज देखने के बाद मैंने मिनिमलिस्ट का ये जो प्रोडक्ट है पिगमेंटेशन के लिए ट्राई करने के लिए सोचा। तो मैंने इसको नाइका से फॉर 640 रुपीज बाय किया है। आप चेक कर सकते हैं अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा हो तो। आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस लास्ट मंथ। उसमें मैं इसको अपनी नाइट रूटीन में यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इसमें मेंशन है कि आपको इसको अपनी जो राइट नाइट रूटीन है उसमें यूज़ करना है। तो आफ्टर क्लीनिंग माई फेस एंड टोनिंग मैं इसको अपने नाइट रूटीन में 3-4 ड्रॉप्स ऑफ दिस सीरम लगा रही थी थ्राइज अ वीक बिकॉज इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ट्रिनेक्सेमिक 3% जो है वो आप उसको रोज यूज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड ऑल्टरनेट डेज, जैसे कि आप मंडे आपने सपोज टू भी अप्लाई कर लिया तो आप ट्यूजडे का ब्रेक लेंगे और वेडनेसडे लगा सकते हैं। ऐसे ही ट्वाइज अ वीक से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको सूट करता है तो आप इसको ट्वाइज अ वीक तक लेके जा सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ट्रिनेक्सेमिक 3% प्लस HPA। तो ये जो किसी भी तरह का आपका मिलाजमा है, जैसे कि इवन दो PIE एंड PIH स्कार्स हैं उसे भी रिमूव करने का ये क्लेम करता है। जैसे कि PIH इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, PIE इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथमा, तो ये उसको भी रिमूव करने का क्लेम करता है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है ट्रिनेक्सेमिक 3% प्लस HPA। जो इसका एक इंग्रेडिएंट है जो कि कुछ लोगों तक को नहीं सूट करता इंक्लूडिंग मी, वो है टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट। मुझे भी टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट जो है इंग्रेडिएंट वो सूट नहीं करता है, तो शायद मुझे इसी कारण ये प्रोडक्ट इतना नहीं सूट किया। इसकी जो ये जो प्रोडक्ट है ये 6 क्लीन ब्यूटी प्रोमिसेस करता है आपसे। नो फ्रेग्रेंस, नो सिलिकॉन्स, नो पैराबेंस, नो एसेंशियल ऑयल्स, नो डाइज एंड नो सल्फेट्स। सो इट्स लाइक दे आर सेइंग कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी स्किन टाइप के लिए है, इवन फॉर द सेंसिटिव स्किन ऑल्सो। आई एम हैविंग वेरी सेंसिटिव स्किन, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई दिया जाए। अपने लास्ट मंथ से यूज कर रही हूँ तो मुझे एज सच कोई ड्रास्टिक चेंज मेरे पिगमेंटेशन में, मेरे एक्ने स्कार्स में नहीं दिखा। मुझे इस प्रोडक्ट ने कोई नुकसान भी नहीं किया। लाइक सपोज टू भी कोई भी प्रोडक्ट जैसे मेरी स्किन को नहीं सूट करता तो या तो मेरी स्किन पे दाने हो जाते हैं या किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है। सो जो ये प्रोडक्ट है इसने किसी भी तरह का ना एलर्जी कॉज किया और ना किसी तरह के मुझे दाने हुए, बट मुझे इसने कोई रिजल्ट भी नहीं दिया। तो जो अगर किसी को भी इससे कुछ रिजल्ट मिला तो प्लीज कमेंट मी। मुझे इस प्रोडक्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिला। एज कंपेयर टू यूजिंग दिस प्रोडक्ट मैं आपको वाइटामिन सी सीरम या नियासिनामाइड सीरम रिकमेंड करूंगी। अगर आप ऑलरेडी कोई अच्छा नियासिनामाइड सीरम या वाइटामिन सी सीरम यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इस प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज किसी भी तरह का जो पिगमेंटेशन होता है वो नियासिनामाइड सीरम और वाइटामिन सी सीरम भी रिमूव करता है, स्लोली एंड स्टेडी करता है बट करता है। अब जो ये सीरम है मेनली इट्स अ एक्सफोलिएटिंग सीरम, तो ऑब्वियसली आप अपनी स्किन को ज्यादा एक्सफोलिएट भी नहीं कर सकते हैं और रोज रोज भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको इसको नाइट में यूज करना है। एंड व्हेन यू आर यूजिंग दिस सीरम एट नाइट, डोंट फॉरगेट
टू अप्लाई योर सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग. लाइक ऑब्वियसली जो आपका रूटीन रहता है सीटीएम, आफ्टर डेट सनस्क्रीन इज मस्ट. सो अगर हम बात करें इसकी टेक्सचर की, तो ये इसका इस तरह का टेक्सचर है कुछ, यू कैन सी येलो कलर का कलर है. एंड आई थिंक इट्स अ ऑयल बेस्ड सीरम, बिकॉज जब मैं इसको अप्लाई करती थी रात को तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने जैसे कि फेस पे कुछ मतलब बाम या कुछ ऐसे लाइट सा नोज़ की ऑयल अप्लाई किया है. तो इसका जो क्लेम है कि आपके किसी भी तरह के मिलाज़मा को या किसी भी तरह के हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, वो मुझे उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिखा. जिनको दिखा होगा प्लीज डू कमेंट मी एंड टेल मी क्या इस सीरम से आपको कुछ भी लाइक बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज डू लेट मी नो. ये जो उसका शेल्फ लाइफ है वो 6 मंथ्स का रहता है. तो ऑब्वियसली आपको इसको अपने स्पैन ऑफ 6 मंथ्स में यूज करना होता है. बाकी मिनिमलिस्ट एज अ ब्रांड काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में, तो मुझे पूछा जाए कि मैं इसे रिपर्चेज करूंगी या नहीं, तो नहीं, मैं इसे रिपर्चेज नहीं करूंगी. बिकॉज एक एक्सफोलिएटिंग सीरम को लगाने से ज्यादा प्रेफर मैं विटामिन सी यानी एसेनामाइड सीरम करूंगी. बिकॉज ऑब्वियसली जो पिगमेंटेशन होती है वो नियासिनामाइड विटामिन सी सीरम भी रिमूव कर देते हैं. आई प्रेफर विटामिन सी एंड नियासिनामाइड सीरम ओवर दिस, बिकॉज इट्स अ एक्सफोलिएटिंग सीरम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है अलग से जो आपको विटामिन सी या नियासिनामाइड सीरम नहीं प्रोवाइड करता. सो जस्ट गो फॉर अ गुड विटामिन सी और नियासिनामाइड. और हाँ, अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज डू लेट मी नो. अगर थैंक यू ऑल, अगर आपको मेरा रिव्यू थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन कमेंट्स.